दोस्तों, में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि जब भी हम अगर कोई नया आईपैड लेते हैं तो उसमें हमको इनिशियली क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें इसमें हमको स्टार्टिंग में करनी चाहिए ताकि हमारा आईपैड जो है कि बढ़िया चल सके। ठीक है, इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि इनिशियल लेवल पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, नया आईपैड लेते समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आप करोगे तो आपका जो आईपैड है वो एक बेहतर परफॉर्मेंस और लॉन्ग रन में बेहतर रिटर्न मतलब बेहतर आउटपुट देगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। वीडियो पसंद आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे और बताइए कि और किस टाइप के वीडियोज आप देखना चाहते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट नॉर्मल है ना, नॉर्मल इन द सेंस कि आपको सिर्फ सिंपल पेन वगैरह का यूज़ करके कुछ आर्टिस्टिक करना है, उस टाइप की अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपका एप्पल 10th जनरेशन 9th जनरेशन टाइप के भी आईपैड अच्छे खासे चल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा हाई लेवल एडिटिंग की, क्योंकि नॉर्मल एडिटिंग तो 10th जनरेशन मतलब ए सीरीज की जो बायोनिक चिप आती है ना, A14 A15 बायोनिक चिप जो आती है आईपैड्स में, जो 10th जनरेशन 9th जनरेशन वाले आईपैड है वो भी कर लेते हैं हैंडल। लेकिन अगर आपको हाई लेवल की एडिटिंग करनी है, ठीक है, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स चलाने हैं, तो उस केस में आपको ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप M1 चिप वाला जो आईपैड है Air 5 वहाँ से आप स्टार्ट ज़रूर। ठीक है, M1 चिप के बारे में मैंने आपको बताया है कि बहुत ही अच्छा चिप है, चिपसेट बहुत अच्छा है, और उसमें ये ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि वो अच्छे अच्छे और बड़े सॉफ्टवेयर्स को, बड़े ऐप्स को आसानी से हैंडल कर लेता है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट सबसे पहली चीज़ है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट जैसी है उस हिसाब से आप इसको डील करो, उस हिसाब से आप सोचो कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ठीक है, दूसरी चीज़, आपकी रिक्वायरमेंट फाइनलाइज हो गई। जब रिक्वायरमेंट फाइनलाइज हो गई तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि जी हमको तो आईपैड Air 5 लेना है, आईपैड 10th जनरेशन लेना है। उसके बाद आती है कि भाई आप उसको कैसे, जब भी कुछ नया आईपैड आता है, देखो नया आईपैड आता है तो उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह डालना, ऐप वगैरह डालना, वो तो एक कॉमन सी चीज़ है। ठीक है, आप सबसे पहले उसमें बैक कवर लेते हो, है ना, उसमें स्क्रीन गार्ड लगाते हो, उसमें पेंसिल वगैरह लेते हो, कीबोर्ड माउस वगैरह लेते हो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। लेकिन जैसे कई लोगों का ये सवाल होता है कि क्या इसकी जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है वो इतनी स्ट्रेंथ है उसमें कि अगर हम उसमें स्क्रीन गार्ड ना लगाएं तो चल जाए। तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि हाँ, इतना तो है कि मतलब बहुत ज़्यादा इस पैसे फोनी मार के तोड़ना ना चाहो तो ऐसे नहीं टूटेगा, लेकिन फिर भी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है कि आप स्क्रीन गार्ड लगा लो। मेरे को भी लगभग 4 से 5 महीने हो गए हैं लेकिन मैंने इस पर स्क्रीन गार्ड कोई नहीं लगाया है, तो उसका थोड़ा सा डर रहता है। और जहाँ तक रही बात बैक कवर वगैरह की, तो वो तो ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि यार देखो उतना आप रिस्क नहीं ले सकते, कहीं दब जाए, कहीं कुछ हो जाए। और बैक कवर में भी देखो यार, इसका इस टाइप की चीज़ें होती है तो ये इसके मुंह पे जाता है, तो आप कभी ट्रैवल वगैरह कर रहे होते हो तो उसमें थोड़ा सा सेफ हो जाती है चीज़ें। ठीक है, और अगर आप पेंसिल वगैरह यूज़ करते हो तो आप इस पर लिखते लिखते लिखते, ये देखो यहाँ से थोड़ी सी निब इसकी घिस जाती है, तो वो इस पर थोड़ा सा स्क्रैच सा पड़ सकता है। स्क्रैच इन द सेंस कि हल्का सा निशान सा पड़ सकता है, ऐसा नहीं कि स्क्रीन पे स्क्रैच एकदम फूट सी जाएगी, लेकिन हाँ हल्का सा निशान सा पड़ सकता है। इसकी चार्जिंग वगैरह की मैं बात करूँ, जो आईपैड आईपैड में चार्जिंग वगैरह है, तो यहाँ इस आईपैड से आपको टाइप सी की चार्जिंग मिल जाती है, और वो टाइप सी की चार्जिंग थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, थोड़ी सी बेटर हो जाती है, लेकिन हाँ ये किसी भी हालत में मैं नहीं बोलूँगा कि अल्ट्रा फास्ट टाइप की चार्ज हो जाएगी। टाइप मतलब टाइप सी में जैसे A14 और 10th जनरेशन 9th जनरेशन वाले जो लैपटॉप आईपैड वगैरह हैं, मैं आईपैड लैपटॉप बोलने में थोड़ा सा झिझक जाता है, जो आईपैड वगैरह हैं उसमें आपको जो एप्पल के अभी वाले चार्जर आते हैं ना वो मिलता है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलता है टाइप सी वाला चार्जर जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, इनके अगर मैं थोड़े थोड़े स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ, जो कि मैंने अपने मैक्सिमम वीडियोस में करी है, स्पेसिफिकेशन वाइज बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, बहुत ही दमदार लैपटॉप है। लेकिन हाँ, अगर मैं ये बोलता हूँ कि लॉन्ग रन में आप अगर इसको लेते हो तो आपको कैसा महसूस होगा, जो आईपैड वगैरह है, मैं इसमें कंबाइन करता हूँ कि भाई आपके बहुत ज़्यादा इसमें आपको परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है तो आपने 10th जनरेशन या 9th जनरेशन लैपटॉप लिया, आईपैड लिया,
उसके बाद किसी ने ये M1 लिया। इसकी लाइफ की बात करूँ तो लाइफ इसकी बहुत अच्छी होने वाली है। इस पे अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे फालतू सी चीज़ें नहीं करते हो, गेमिंग वगैरह नहीं करते हो, तो और लंबी होगी। गेमिंग वगैरह को भी ये सपोर्ट कर लेगा। ये जो M1 चिप वाला सॉफ्ट आईपैड है, ये गेमिंग को भी सपोर्ट कर लेता है काफ़ी अच्छी हद तक, जिसका मैंने रिव्यू करा है, आप चैनल पे देख सकते हो। आई बटन पे भी लिंक देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो परफॉर्मेंस वाइज और फ्यूचर वाइज मैं आपको यही बोलूँगा कि जो आईपैड वगैरह है, इनके आप देख रहे हो सेल्स भी बढ़ती जा रही हैं। सेल्स इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि अब जो लोग आर्टिस्ट टाइप के हैं, जो जिनको डिज़ाइनिंग वगैरह है करनी होती है, वो इसमें करते हैं। आपने देखे होंगे कई सारे रील्स वगैरह होते हैं। रील्स वगैरह में भी आपने एक चीज़ गौर की होगी कि भाई लोग किसी बोलते हैं ना, मेरे क्लाइंट ने मुझे ये फोटो भेजी थी, मुझे इसको ड्रॉ करना था ऐसे ऐसे, पुरानी फोटो को नहीं करने के लिए ड्रॉ वगैरह करते हैं। वो सारी चीज़ें इन टाइप की चीज़ें, मतलब अप्लाइंसेज में ही आप कर सकते हो, इस टाइप के ही इक्विपमेंट्स में आप कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल इन ऑल अगर मैं सम अप करता हूँ छोटे से वीडियो में, तो मैं यही बोलूंगा कि आईपैड अगर आप लॉन्ग रन के लिए लेना चाहते हो, तो बहुत एक अच्छी चीज़ हो सकती है। इसमें आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, वीडियो की फोटो की एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, गेमिंग भी कर सकते हो, इसमें आप सर्फिंग करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो ऑल इन ऑल एक छोटा सा, ये बोलते हैं ना कि फ़ोन से बेहतर लैपटॉप से नीचे, तो अब ये किसी भी कीमत पे लैपटॉप से नीचे नहीं रह गया है, लैपटॉप से भी एक लेवल पे आके ये लैपटॉप को भी मैच करता है। ठीक है, इसकी जो बैटरी वगैरह है वो सब बहुत ही अच्छी है, जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं। तो ऑल इन ऑल यही कुछ क्वेश्चंस थे जो लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे थे, तो उसका मैंने जवाब दिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आपको पता ही क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करिए कि और कौन से वीडियोज़ आप देखना चाहते हो मेरी तरफ से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।